अलहमदिल्ला वसलात वसलम वाल रसूलिल्लाह नाजरीन लमा कराम से आपने इल्म दीन हासिल करने की फजीलत के बारे में अक्सर सुना होगा आलिमों की फीलतःत सुनी होगी तालब इल्मों की फजीलत सुनी होगी दीन हासिल करने की फजीलत सुनी होगी लेकिन कभी आपने ये सुना कि दीन की बात छुपा लेने वाला जब मौका है बयान की जाए बात और नहीं बयान करता है कोई पूछता है तो नहीं बताता है छुपा लेता है इसका अजाब कितना है इसकी सजा क्या है जानते हैं आप रसूल अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं हजरत इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस हदीस को अपनी जाम तिर्मिजी में नकल फरमाया फरमात अन इल्म फकतमहु उलजिमा जिम मिन जैन अगर एक आदमी से इल्म दीन के बारे में पूछा गया फकत महु तो वो छुपा गया जैसे आजकल की सूरत हाल है हमारे ज़माने में जितनी फरक़ाबंदियाँ हैं और जितने मज़ाहिब बने हुए हैं अगर कोई बात आप पूछिए और लोगों को लगता है कि ये हमारे मसलक और मज़हब के ख़िलाफ़ पड़ेगी तो छुपा जाते हैं उसको नहीं बैन करते हालांकि जानते हैं कि ये बहुत बड़ा छुपा है कितना बड़ा जुर्म है कयामत के दिन अल्लाह हरबुल जता ऐसे से लोगों को जहन्नम की लगाम लगाएगा घोड़े को देखा है आपने घोड़ा बड़ा कवी जानवर है इंसान के बस में नहीं आता लेकिन जब लगाम लगा दी जाती है उसको तो जरा से इशारे पे चलता है लेकिन अगर लगाम वो लोहे की नहीं तपते हुए अंगारे की हो तब क्या हाल होगा अल्लाह हमें और आपको महफूज रखे बहुत बड़ा जुर्म है। बहुत बड़ी सजा है तो आपसे अगर कोई दिन की बात पूछी जाए तो आप मसले का बहाना करके हिकमत का बहाना करके और दूसरे आजार लंग बेकार के बहाने बनाकर उस बात को छुपाने का जुर्म ना करें उसको बयान कर दें चाहे उससे ताल्लुक़ मुतासर हो जाए कुछ भी हो जाए लेकिन इस सजा से तो आप कम से कम बच जाएंगे दीन को छुपाना बहुत बड़ा जुर्म है दीन की बात बिला मसलहत और मसालत की परवाह किए बयान कर देना यही हक का दस्तूर और तरीका है हैलमाय सू हमेशा अपने मफाद के चक्कर में रहते हैं जहाँ दीन की बात छुपाने से उनका मकसद हासिल हो रहा है तो छुपा जाएंगे और जहाँ बदलने से मकसद हासिल हो रहा है तो बदल देंगे उसकी तशरी बदल देंगे उसका और मतलब बदल देंगे आप ये जुर्म ना करें जो बात अल्लाह के रसूल की है किसी को भी बुरी लगे आप अपनी तरफ से उसमें बुराई पैदा करने की कोशिश ना करें अल्फाज मुनासिब रखें तरीका आपका मुनासिब हो लेकिन बात रसूल अक्रम की और कह दें कि ये मेरी या मेरे बाप की बात नहीं है ये रसूल अक्रम की बात है मुसलमान कितना ही गया गुजरा हो लेकिन वो अपने रसूल से बहुत मोहब्बत करता है बड़ा एहतराम अपने रसूल का अपने के दिल में रखता है जब तक बाहरी अड़चने रुकावटें उसके सामने खड़ी ना कर दी जाए सू की तरफ से तब तक वो अल्लाह के रसूल की किसी बात को टालता नहीं है अल्लाह इज़्ज़त हमें आपको उन लोगों में से बनाए जो दीन की बात सुनते हैं तो उस पर अमल करते हैं और जब मौका आता है बयान करने का तो बयान कर देते हैं यही बात बेहतर है असलम व वरक ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें